सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमटा ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। नाहन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग व एनएच प्रबंधन को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि ब्लैक स्पॉट हमेशा ही सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण रहते हैं, ऐसे में प्रशासन इन्हें दुरुस्त करेगा ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसमें हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है और जितने भी हमारे एसएचओज हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि जो इनके रोड सेफ्टी क्लब्स बने हैं, एक तो वो अवेयरनेस जनरेशन करेंगे रिगार्डिंग जो रोड सेफ्टी आपके साइंस हैं, लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि आप विद इन स्पीड लिमिट्स और जो हमारे चलान्स में भी अलग अलग वो आते हैं तो उसमें एटलीस्ट उनको अवेयर कराएं कि इन इन चीज़ों के लिए वो पिनलाइज भी हो सकते हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग हो गया या रैश ड्राइविंग हो गया या बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चलाना है। तो अवेयरनेस जनरेशन है और सेकेंडली हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव ये भी है कि जो स्पीड कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग भी इसमें चर्चा हुई है, तो हमने हमारे जो एसडीएम्स और डीएसपीज हैं इनको रिक्वेस्ट की है कि ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें अलोंग विद ये नेशनल हाईवे और जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं इनके साथ आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां पे इनका इंस्टॉलेशन ज़रूरी है जहां पे थोड़ा स्पीड का इशू रहता है। थर्डली हमने पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ को जो हमारे एक्शंस हैं इनसे इनको डायरेक्शन दिए हैं कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जो थोड़े अंधे मोड़ हैं जहाँ पर कुछ दिक्कत भी आ सकती है तो वो आइडेंटिफाई करें और उनको ठीक करने के लिए हमें प्रपोजल दें, तो हम लोग डीडीएमए से और डिजास्टर मैनेजमेंट से। उपायुक्त ने जिले में गठित सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से भी लोगों में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को भी यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।